हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे बताना है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है डार्विन, अरस्तू, एकिल या फिर एडवर्ड जेनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है अरस्तू है, इसको जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी वो शाखा है जिसमें यहाँ पे बताना है कि अनुवांशिकता तथा विविधताओं का अध्ययन इसी अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस अध्ययन से संबंधित है। कौन से अध्ययन से, यहाँ पे आप देख सकते हो अनुवांशिकता और विविधताओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बताना है कौन सी शाखा है वो। तो गाइस ये है अनुवांशिकी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है डार्विन, अरस्तू, एकिल या फिर एडवर्ड जेनर। ऑलरेडी हमने कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे औषधि विज्ञान का जनक पूछा है, तो औषधि विज्ञान की बात करें तो इसका जनक माना जाता है हिपोक्रेट्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपोक्रेट्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान है ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है प्रतिमा विज्ञान या फिर मुद्रा शास्त्र या फिर म्यूजियोलॉजी या फिर एपिग्राफी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, म्यूजियोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जीवाश्म का अध्ययन है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आचार शास्त्र, हेतु विज्ञान, मानव विज्ञान या फिर जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म का जो अध्ययन है इसको कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो अब यहाँ पे बताना है कि मृदा से संबंधित जो विज्ञान है इसको क्या कहा जाता है, या फिर हम यूं कहें कि जो मृदा की जो स्टडी की जाती है इसको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं मृदा विज्ञान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जीवाणु की खोज किसने की, ये बताना है। ऑप्शन है, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन हमसे पूछा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फंगस यानी कि फफूंद या फिर हम कहें कवक, इसका जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस की बात हो रही है, फफूंद कवक का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं। तो गाइस इसको कहते हैं कवक विज्ञान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे, तो यहाँ पे बताना है किसके द्वारा अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। तो ये किए गए थे मॉर्गन के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्गन। नेक्स्ट यहाँ पे कि जीवों के उनके पर्यावरण से संबंध में जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, ये बोला है यहाँ पे। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, क्वेश्चन बोला है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्राणी विज्ञान, ऑप्शन बी कीट विज्ञान, ऑप्शन सी बहुपद विज्ञान या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान विज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर बात करें आंसर की, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि परिवहन विज्ञान जो प्राणी विज्ञान कि उस शाखा का हमें नाम बताना है जिसमें पशु, ध्यान दीजिए पशु व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन ही किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें अगर पशु व्यवहार के जो वैज्ञानिक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो किसमें किया जाता है, इथोलॉजी, आपको याद रखना है ऑप्शन डी इथोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है क्वेश्चन की औषधियों और उनके कार्य का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। तो गाइस औषधि और उनके कार्य का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं औषधि विज्ञान।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस ओडेंटोलॉजी की बात करें तो इसमें अध्ययन किया जाता है दांतों के बारे में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पे हृदय और उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि पक्षियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है इसको क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मतलब कि स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो किसमें की जाती है, ऑर्निथोलॉजी। तो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर, या फिर ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, या फिर ऑप्शन डी रोबोट कोच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट यहाँ पे कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एपिकल्चर, राइट आंसर है ऑप्शन डी एपिकल्चर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, किसके साथ संबंध है ये यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, एक्सोबायोलॉजी के बारे में पूछा है। तो गाइस एक्सोबायोलॉजी की अगर बात करें तो अन्य ग्रह में जो जीवन के साथ इसका संबंध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, यानी कि ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मिर्मिकोलॉजी का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, बात हो रही है गाइस मिर्मिकोलॉजी की बात हो रही है, तो मिर्मिकोलॉजी है ये किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन इसमें किया जाता है, तो चींटियों का। कई बार पूछ लिया जाता है कि चींटियों का किसमें अध्ययन किया जाता है, तो हमारा उस केस में आंसर होगा मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कीट विज्ञान का अध्ययन, तो कीट विज्ञान का आई थिंक हम कर भी चुके हैं ये, तो हमारा आंसर होगा कीटों का। जो कीट विज्ञान है इसमें अध्ययन किया जाता है, स्टडी किसके बारे में की जाती है, कीटों के बारे में, इंसेक्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है कि नवजात शिशु की जो 3 माह तक की आयु होती है ना, उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नियोनेटोलॉजी। तो क्या बोलते हैं, नियोनेटोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे बोला है। तो प्राणी और पादप का उनके परिवेश से संबंध जो होता है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गाइस इसके अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एरिनियोलॉजी है ये किसका अध्ययन है। तो एरिनियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें अध्ययन किया जाता है मकड़ियों के बारे में, तो आंसर हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वृक्ष संवर्धन है ये किसका अध्ययन है। यहाँ पे बात हो रही है वृक्ष संवर्धन की बात हो रही है, किसका अध्ययन है ये, तो गाइस ये है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात करें तो इसको प्रतिपादित किया था डी ब्रिज ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन्कोलॉजी का जो है इसमें बताना है किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी की बात करें तो गाइस इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कैंसर। और यहाँ पे देखो ये पक्षियों का भी अपन ने देखा था ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं।
तो रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं सीरोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और गाइस यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीजन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे जो बायोलॉजी के टॉपिक वाइज वीडियोस आते हैं उसमें कराया जाएगा। अभी एक वीडियो लेके आएंगे हम, कल कल या परसों डाल देंगे, जो RH फैक्टर है उसका। तो उसमें है ना ब्लड से ये ब्लड ग्रुप और ये एंटीबॉडीज और जो एंटीजन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम डीपली पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि तितलियों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस तितलियों के अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं लेपिडेरियोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा लेपिडेरियोलॉजी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, बात हो रही है मछलियों से संबंधित अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा एक्थियोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, इसको बोलते हैं आर्बोरी कल्चर। आंसर हो जाएगा आर्बोरी कल्चर। यहाँ पे बोला है ऑर्नियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पक्षी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हम देख चुके हैं आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कि जो मतलब कि इसको देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको आंसर देना होगा ऑर्निथोलॉजी में, ये चीज आपको याद रखनी है। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।